Hello friends, ऑनलाइन DMIT पैनल सॉफ्टवेयर का एक डेमो देखेंगे कि सॉफ्टवेयर कैसे काम करता है। ऑफलाइन एप्लीकेशन से फिंगरप्रिंट ऐसे अपलोड होंगे और ऑनलाइन DMIT पैनल में रिपोर्ट कैसे जनरेट की जाती है। यह ऑफलाइन सॉफ्टवेयर है जिसपे फिंगरप्रिंट्स किए जाते हैं और उसके थ्रू फिंगरप्रिंट्स को अपलोड किया जाता है, देन रिपोर्ट जनरेट की जाती है। सबसे पहले हम फिंगरप्रिंट्स लेकर के एक डेमो दिखाएंगे आपको। ये ऑफलाइन फिंगरप्रिंट एप्लीकेशन हमने ओपन करी, मास्टर में ऐड प्रोफाइल, यहाँ पर हमने कोई भी सैंपल एक प्रोफाइल ऐड करते हैं। सैंपल ट्रिपल लाइन के नाम से यहाँ पे हमने डेट ऑफ बर्थ डाली, सेलेक्ट किया। ये सारी प्रोफाइल हमें फीड करनी होती है इसमें। ये हमने प्रोफाइल ऐड कर दी। अब ये फिंगरप्रिंट की विंडो आ गई। अब हमें यहाँ पे फिंगरप्रिंट लेने हैं। अब यहाँ पे फिंगरप्रिंट ले रहे हैं। ये ऑफलाइन फिंगरप्रिंट एप्लीकेशन है। ऑफलाइन फिंगरप्रिंट एप्लीकेशन में फिंगरप्रिंट लेने के बाद हमें इसे नेट के थ्रू अपलोड करने पड़ते हैं सर्वर पे, जहाँ से हम रिपोर्ट को जनरेट कर सकते हैं। अनलिमिटेड रिपोर्ट जनरेशन है, अनलिमिटेड फ्रेंचाइजी लॉगिन है। तीन लैंग्वेज में रिपोर्ट आप जनरेट कर सकते हैं, हिंदी, इंग्लिश एंड मराठी। और भी अदर लैंग्वेज का ऑप्शन उसमें ऐड कर सकते हैं, बट ट्रांसलेशन चाहिए अदर लैंग्वेज की। अगर ट्रांसलेशन हो जाती है तो अदर लैंग्वेज में भी आप रिपोर्ट ले सकते हैं। एक फिंगर के तीन प्रिंट लिए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं फिंगरप्रिंट्स ले रहा हूं, सारे फिंगरप्रिंट्स प्रॉपर लेने हैं, क्योंकि जब फिंगरप्रिंट्स को अपलोड करते हैं, जब रिपोर्ट जनरेट करनी होती है तो फिंगरप्रिंट्स जो है वो सही होने चाहिए, अदरवाइज एनालिसिस करने में दिक्कत आती है। ये हमने फिंगरप्रिंट्स ले लिए, एग्जिट हो गए हम यहाँ से। एडमिन में गए, अपलोड डाटा। अभी जो फिंगरप्रिंट्स दिए मैं इसको ऑनलाइन अपलोड कर रहा हूँ, नेट कनेक्ट है। सारी फाइलें आपको ऑनलाइन ट्रांसफर करते हुए आपको सिस्टम दिखाएगा और ये आपका पूरा एडमिन पैनल होगा, जहाँ पर आपके ही फ्रेंचाइजी और आपकी ही रिपोर्ट सारी अपलोड होंगी। अनलिमिटेड रिपोर्ट जनरेशन है। अब ये सारी फाइलें जो हैं ऑनलाइन अपलोड हो रही हैं। ऑनलाइन सिस्टम यूनिक सिस्टम है, अपडेटेड सिस्टम है। टाइम टू टाइम सॉफ्टवेयर अपग्रेडेशन होती रहती है। टेक्निकल सॉल्विंग बहुत इजी है, कुछ भी प्रॉब्लम आती है इजीली सॉल्व हो जाती है। देखिए सारी जितने भी फिंगरप्रिंट्स हैं सारे ऑनलाइन जा रहे हैं। अब ऑनलाइन जब हम पैनल खोलेंगे तो किसी न किसी एजेंट आईडी के थ्रू वो फिंगरप्रिंट अपलोड हुए होंगे। इजली हम उनको एनालाइज करके रिपोर्ट जनरेट हो जाती है विद इन ए सेकेंड।
विद इन ए मिनट ये जो फिंगरप्रिंट्स हैं सारे अपलोड हो जाते हैं। देखिए फिंगरप्रिंट सारे ऑनलाइन अपलोड हो चुके हैं। हम ऑनलाइन पैनल पे जाएंगे, एडमिन पैनल में जहाँ पे ये फिंगरप्रिंट अपलोड हुए हैं। अब ये ऑनलाइन पैनल है, ये आपका पूरा पैनल होगा जिसपे आपका ही सारे आपका डाटा होगा, आपके फ्रेंचाइजी लॉगिन होंगे और आपके ब्रांड के नाम से ही आपकी रिपोर्ट जनरेट होगी। ये फ्रेंचाइजी मॉड्यूल है, किसी न किसी फ्रेंचाइजी की आईडी से ही रिपोर्ट जनरेट हुई है ये, या एड न्यू फ्रेंचाइजी में जाकर के आप अनलिमिटेड फ्रेंचाइजी लॉगिन पासवर्ड आप जनरेट कर सकते हैं। हर एक फ्रेंचाइजी नाम आपको शो करेगा, उसका यूजर नेम क्या है, उसके पासवर्ड्स क्या है, कितनी रिपोर्ट लिमिट आपने दी है, कितनी टोटल रिपोर्ट हो गई है, कितनी कंप्लीट हो गई है, कितनी पेंडिंग है, सब शो करेगा पूरा डाटा। अब ये भी जो रिपोर्ट अपलोड हुई है किसी न किसी आईडी से अपलोड हुई है, हम उस आईडी पे गए हैं, एडिट में गए। अब ये सारे फिंगरप्रिंट्स यहाँ पर अपलोड हो गए हैं। अब सिंपल है, हमें इन फिंगरप्रिंट्स को एनालाइज करना होता है, एनालाइज करके यहाँ पे टाइप ऑफ पैटर्न्स डालना है कि कौन सा पैटर्न है और यहाँ पे रजिस्टर काउंट डालना है। फॉर एग्जांपल लेके चलते हैं ताकि आपको रिपोर्ट जनरेशन का एक सैंपल मिल सके। मैं एग्जाम्पल के तौर पर इसको एनालिसिस कर रहा हूँ। एक बार चेक कर लिया कि सारे फिंगरप्रिंट्स मैंने इसमें डाले हैं नहीं लिए हैं। सेव रिपोर्ट डाटा, जो डाटा मैंने जो इनपुट दिया है सॉफ्टवेयर को वो मैंने इसमें सेव कर दिया। ए का मतलब इंग्लिश रिपोर्ट है, बी का मतलब हिंदी रिपोर्ट है, सी का मतलब अदर लैंग्वेज, मीनिंग का मतलब एक शॉर्ट रिपोर्ट है। जो कंप्लीट रिपोर्ट है वो 46 पेजेस की है, जो मिनी रिपोर्ट है वो 14 पेजेस की है। अब इंग्लिश में रिपोर्ट हमने जनरेट करनी है, सिंपल है, जनरेट रिपोर्ट का बटन है, इसको क्लिक किया और रिपोर्ट जनरेट हो गई। अब जो फ्रेंचाइजी है वो अपने लॉगिन पे जा करके रिपोर्ट को डाउनलोड कर सकता है, अगर आपको चाहिए तो आप यहाँ से भी रिपोर्ट डाउनलोड कर सकते हैं। विद द सेकंड रिपोर्ट जनरेट हो जाती है और आपको रिपोर्ट मिल जाती है। ये मैंने आपको दिखाया कि सॉफ्टवेयर कैसे काम करते हैं, ये रिपोर्ट डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गई है। ये नीचे आप देख रहे होंगे ये रिपोर्ट डाउनलोड हो रही है, विद इन ए मिनट रिपोर्ट डाउनलोड हो जाती है। उसके बाद आप उस रिपोर्ट की, उस व्यक्ति की काउंसलिंग करके उसे सही सजेस्ट कर सकते हैं। आपके ब्रांड के नाम से रिपोर्ट आएगी, आपका एड्रेस होगा, आपकी कंपनी नेम होगी, देखिए ये रिपोर्ट डाउनलोड हो गई है। ये पूरी कंप्लीट रिपोर्ट है 46 पेजेस की, जिसमें सारी चीजें आपकी कवर्ड है। आपको सैंपल रिपोर्ट मिल जाएगी मेल के थ्रू, आप उसे देख सकते हैं। पूरी कंप्लीट रिपोर्ट है, लाइफ टाइम रिपोर्ट।
थैंक यू।